हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 मोशन पढ़ने जा रहे हैं। मोशन में कुछ टर्म्स में है रिलेटेड टू मोशन, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले रेस्ट। रेस्ट क्या है? कौन से पोजीशन को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट? अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली ए पोजीशन पे है और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 20 सेकेंड्स या 20 मिनट्स, कुछ भी ले सकते हो आप टाइम इंटरवल, उसके बाद भी अगर वो ए पोजीशन पे ही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन है वो भी ए है एंड फाइनल पोजीशन इज़ ऑल्सो ए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका वो किस पे है? रेस्ट पे। वो मूव नहीं हो रहा है, मोशन में नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अब मोशन। मोशन में अगर हम मान लेते हैं इनिशियली एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, अब फाइनली कुछ सेकंड्स के बाद वो बी पोजीशन पे आ रहा है। इनिशियली ए पे है, कुछ सेकंड्स के बाद वो बी पे पहुंच गया। तो अगर मैं बात करूं तो इनिशियल पोजीशन मेरा क्या हो गया? ए हो गया एंड फाइनल पोजीशन इज बी। तो जहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिफरेंट होते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका मूव होके यहाँ तक गया है, मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब इनिशियली एंड फाइनली ऑब्जेक्ट जो है सेम पोजीशन पे है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। देखिए, रेस्ट, ऑब्जेक्ट विच आर स्टेशनरी एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और जब एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ आपका ऑब्जेक्ट ए से बी पे पहुँच गया, तो हम क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आप एक ऐसा पॉइंट ले सकते हैं जिसके रेफरेंस में आप किसी की पोजीशन बता रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का एड्रेस बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सामने पोस्ट ऑफिस से जाके राइट टर्न ले लें तो आप पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट आप किसका रेफरेंस दे रहे हैं? आप रेफरेंस दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस का, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। तो इसी तरीके रेफरेंस पॉइंट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए आप किसी पॉइंट का रेफरेंस दे रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो किसी चीज़ के डायरेक्शन को बताने के लिए। अ रेफरेंस पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी पॉइंट का यूज़ कर रहे हो तो वो ओरिजिन कहलाएगा, कॉल्ड ओरिजिन। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव जब ऑब्जेक्ट करता है बिना डायरेक्शन चेंज किए तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग अराउंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट पहले सी पे पहुँच रहा है, फिर ए पे, फिर बी पे, तो ये आपका क्या हो रहा है? मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो इसे कहते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसी में आपका दो टर्म्स हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट कर रहा है, फिर सी पे जा रहा है, फिर ए पे जा रहा है, फिर बी पे जा रहा है और फिर अगेन वो सी पे आ रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो आप कैसे निकालेंगे? पहले ओ सी प्लस सी ए
प्लस बी ए और प्लस बी सी, मतलब डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, पहले ओ सी फिर सी ए फिर ए बी एंड फिर यहाँ से बी सी तक आया, तो ये सारा क्या कहलाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर इसी में मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल, मतलब क्या है कि इनिशियली वो ओ पे था और फाइनली वो सी पे है, चाहे वो कहाँ कहीं भी मूव करके आए हो फाइनली कहाँ है वो सी पे है। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रही हूँ ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, वो कहीं भी घूम के यहाँ बी पे पहुँच गया, ठीक है, उसने कोई भी डायरेक्शन लिया कहीं से भी गया और वो कहाँ पहुँचा, बी पर। तो ये जो सारा टोटल सम होगा इस डिस्टेंस का, जितना भी उसने पाथ ट्रैवल किया, ये सबका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ ये आपका कहलाएगा डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो फाइनली वो बी पे है, इनिशियली वो ए पे था, तो इसके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, और डिस्टेंस जो है वो आप कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ ही है, इसका एक डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस में आपका कोई डायरेक्शन नहीं है। और एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कह रही हूँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है तो सारी जगह घूम के आया, सारी जगह घूम के आया और फिर ए पे ही पहुँच गया, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ बेटा तो ये सबका सम लूँगी मैं, जितना भी उसने ट्रैवल किया वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनिशियली वो ए पे था और फाइनली भी वो ए पे है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट मे बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। अब हम दो टर्म्स इसमें पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। जैसे कि आपका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आप स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे। अगर इसी स्केलर क्वांटिटी की बात करें हम तो इसमें आपका स्पीड भी आ जाता है एंड वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, जो आप आगे पढ़ेंगे, इसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, अभी आप सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको दो टर्म एक्सप्लेन किए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक आप बुक से पढ़ेंगे, आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।